How to processing array elements using looping statements. जनरली अगर बात करें एरे के केसेस में सभी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी एलिमेंट का नेम कैसा होता है एग्जैक्टली सेम, लेकिन आप उनको डिफ्रेंशिएट और यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो बेस्ड ऑन इंडेक्स ऑफ द एरे। तो एरे इंडेक्स क्या कंटिग्यूअस वैल्यूज, मीन्स एरे इंडेक्सेस के केस में बात करें फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी एरे का साइज 10 प्लॉट किया था, इस केस में वैलिड इंडेक्स क्या होंगे 0, 1, 2, 3 अप टू 10। सिमिलरली अगर आपने किसी एरे का साइज n पास किया है, n मीन्स एनी वैल्यू, देन इस केस में एरे के केस में वैलिड पोजीशंस क्या होंगे 0, 1, 2, 3 अप टू n माइनस 1। यानी किसी भी एरे को जस्ट लूप के थ्रू रीयूज करना पॉसिबल। फॉर एग्जांपल अगर एरे के अंदर 100 एलिमेंट्स हैं, तो 100 टाइम कोई भी लॉजिक अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए अप्लाई करना है, इस केस में जस्ट आप यूज क्या करोगे, इसे सभी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आपको लॉजिक्स को जस्ट बार बार रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट रीयूज करो बाय यूजिंग इंडेक्स। लेकिन इंडेक्सेस को मैनेज करने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे, लूपिंग स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल लॉजिकली बात करें अगर आपके पास कोई एरे अवेलेबल लाइक एरे विद साइज एन, एन मीन्स एनी वैल्यू, मीन्स इस केस में एन कोई वेरिएबल नहीं, एन को कंसिडर करो फॉर एनी साइज, मीन्स सम कॉन्स्टेंट वैल्यू। अगर किसी भी साइज का एरे गिवन है, इस पर्टिकुलर एरे के लिए या एरे के सभी एलिमेंट के लिए आपको कोई भी ऑपरेशन प्रोवाइड करना है, इसके लिए जस्ट लूप प्रिपेयर करें। लूप के केसेस में स्टार्टिंग कहाँ से होगा, जस्ट लूप के केसेस में बिगिनिंग इंडेक्स क्या है, जस्ट इस सीरीज को आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। सपोज दैट अरे पर्टिकुलर टेबल मुझे लूपिंग के थ्रू मैनेज करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस के मैंने कई सारे प्रैक्टिस प्रोग्राम प्रोवाइड किए थे ड्यूरिंग लूपिंग स्टेटमेंट। इसे यहाँ लूप के केस में जस्ट आपको थ्री प्लेसेस कंसोलिडेट करने की जरूरत है, फर्स्ट वन इनिशियलाइजेशन, सेकंड वन कंडीशन, थर्ड वन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो एरे के केसेस में अगर आपको ये पर्टिकुलर वैल्यू जनरेट कराना है यूजिंग लूप्स, देन लूप के अंदर आई वेरिएबल को इनिशियलाइज किससे करेंगे, इनिशियलाइजेशन ऑलवेज किससे होता है बिगिनिंग वैल्यू, इसे इस केस में इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करें फ्रॉम जीरो, क्लियर। नेक्स्ट वन कंडीशंस, कंडीशन के केस में बात करें तो लूप कहाँ से कहाँ तक एग्जीक्यूट करा फ्रॉम एन माइनस वन, अगर साइज एन पास किया था लूप कब तक एग्जीक्यूट कराओ अप टू एन, आइदर लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस वन और सिंपली जस्ट लेस देन एन, बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग्स, क्लियर। नेक्स्ट वन सभी वैल्यूज में डिफरेंस कितने का जनरेट हो रहा, ओनली वन का इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो जस्ट प्रोवाइड क्या करेंगे आई प्लस प्लस। नेक्स्ट वन यानी इस पर्टिकुलर लूप के अंदर अगर कोई भी ऑपरेशन आप ए ऑफ आई के लिए अप्लाई करते हो, ए ऑफ आई के रिस्पेक्ट में जस्ट फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या होगा जीरो, देन ये ऑपरेशन या लॉजिक से अप्लाई किसके लिए होंगे ए जीरो के लिए, नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होने के बाद आई का वैल्यू क्या हो जाएगा वन, वन के केस में सेम ऑपरेशन अगेन अप्लाई किसके लिए होंगे ए वन के लिए, नेक्स्ट टाइम ए टू ए थ्री एन सो ऑन और अप टू एन माइनस, मीन्स फाइनली इस केस में ए ऑफ आई जस्ट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे। मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आपके लिए, मीन्स एरे के केसेस में जब भी आपको कोई भी लॉजिक से किसी भी टाइप के ऑपरेशन अगर सभी एलिमेंट के लिए सेम ऑपरेशन से अप्लाई करना है, देन इस टाइप से जस्ट आप लूप प्रिपेयर करोगे। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर इसका साइज क्या है जस्ट 5, देन एन के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या कर लेंगे 5, 0, 2, 5, तो जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा लूप के अंदर आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगा इस केस में जीरो। अगर इस केस में जस्ट आप परफॉर्म कर रहे हो सम ऑपरेशंस लाइक ए ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 10, मीन्स अगर एरे के सभी एलिमेंट को 10 से मल्टीप्लाई करना है, देन जस्ट राइट डाउन क्या करोगे गिवन लॉजिक्स, देन फर्स्ट टाइम आई की बात करूँ फर्स्ट टाइम लूप के केस में आई का वैल्यू क्या होगा जीरो, देन ये ऑपरेशन किसके लिए अप्लाई हुआ ए जीरो के लिए, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू बनोगे देन सेम ऑपरेशन अगेन किसके लिए अप्लाई हुआ ए वन के लिए, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो जाएगा टू, सेम ऑपरेशन अप्लाई हुआ ए टू के लिए, सेम एज थ्री, सेम एज फोर, क्लियर। जैसे ही आई का वैल्यू 5 होगा देन कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, देन इस फाइनली जो ऑपरेशन है एरे के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अप्लाई हो रहा और ऑल एलिमेंट इस टाइप से लूप का यूज करके एरे के सभी एलिमेंट को प्रोसेस करना पॉसिबल। लॉजिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हो, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली डिस्कस किया है।